गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटामिनेट्स ना सी मैट्रिसेस इज डिफाइंड एज एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस इसमें हम ये रेक्टेंगुलर ले रहे हैं कि जब हम आगे मैट्रिसेस में यू हैव स्टडीड कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी आते हैं बट वाई वी ऑलवेज टेक इट एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वाई वी डोंट टेक इट आज अ स्क्वा अरेजमेंट हम क्यों ले लेते बिकॉज एवरी स्क्वायर इज इनक्लोज इन अ रेक्टेंगल हम हर स्क्वायर को रेक्टेंगल के अंदर ले सकते हैं दैट्स वाई वी कॉल्ड इट आज अनी रेक्टेंगुलर अरेजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मेट्रिस एंड इट हैज एम रोज एंड एन कॉलम्स हॉरीजेंटल आर द रोज एंड वर्टिकल आर द कॉलम्स जो हॉरिजेंटल होती हैं उन्हें रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल्स होते हैं उन्हें कॉलम्स बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाई दिस द साइन ऑफ द मेट्रिक्स करेक्ट नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ द मेट्रिक्स ऑर्डर ऑफ द मेट्रिक्स ऑर्डर किस जैसे हमने अभी ऑर्डर ऑफ द मेट्रिक्स वेयर एम डिनोट्स दिन डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स जो हॉरिजोंटल रोज हैं और एन इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स तो दर्डर ऑफ द मेट्रिक्स इज डिनोटेड बाई एम क्रॉस एन सी इसको हम रीड एम क्रॉस एन करते हैं ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है अगर मैं मेरे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज़ दिस मेट्रिक्स न इस मेट्रिक्स में वी हैव नाउ टू रोज एंड थ्री कॉलम्स इन दिस मेट्रिक्स वी हैव टू रोज एंड थ्री कॉलम्स सो वी विल राइट द ऑर्डर ऑफ द मेट्रिक्स एज टू क्रॉस थ्री इट इज नॉट द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन यू विल नॉट रीड इट एज टू इंटू थ्री बिकॉज वो टू इंटू थ्री तो आपका सिक्स बन जाएगा Here, 2 denotes that the number of rows are 2, and 3 denotes that the number of columns are 3. That is why we denote the order of the matrix as 2 cross 3. Third is the difference between matrices and determinants. What is the difference between matrices and determinants?

सो मेट वी से ऑलवेज दैट द मेट्रिक्स इज अरे रेक्टेंगल मेट्रिक्स रेक्टेंगल भी हो सकती है बट जो डिटामिनेंट है दैट आर ऑलवेज स्क्वायर करेक्ट नेक्स्ट पॉइंट इज मेट्रिसिस इज ऑनली एन अरेंजमेंट मेट्रिक्स सिर्फ क्या है हमारा अरेंजमेंट है बट डिटामिनेंट हैज इट्स वैल्यू डिटामिनेंट आपको एक वैल्यू देता है मेट्रिसिस में कोई वैल्यू नहीं मिलती इट इज जस्ट ऑनली एंड अरेंजमेंट इन द रिमार्क आई हैव मैंशन ईवन इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मेट्रिक्स से अगर मुझे किससे कोई मेट्रिक्स ए गिवेन है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मेट्रिक्स ए तब भी मुझे उसके आगे डिटामिनेंट ऑफ ए निकाल लगाना पड़ेगा इवन इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मेट्रिक देन ऑल्सो वी राइट डिटामिनेट ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स की इंडिविजुअली इट डजेंट हैव एनी वैल्यू इवन इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ़ द मैट्रिक्स अगर आपको मैट्रिक्स की भी वैल्यू निकालनी है देन ऑल्सो यू हैव टू राइट डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इट विल गिव यू द वैल्यू करेक्ट तो डिटरमिनेंट के पास अपनी वैल्यू होती है बट मैट्रिक्स सिर्फ एक अरेंजमेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय ए इन द सब्सक्रिप्ट आई जे ए आई जे वेयर आई स्टैंड्स फॉर रो एंड जे स्टैंड्स फॉर कॉलम आई किसके लिए स्टैंड होता है रो के लिए और जे स्टैंड्स फॉर द कॉलम सी जैसे हमने ये जनरल जो हमारी मैट्रिक्स की नोटेशन होती है आई हैव गिवन दैट नोटेशन So, you can clearly see in this matrix there are m rows. M, m rows, kitni rows isme total m and n columns. M rows and n columns. So, if it is having m rows and n columns, we will denote the order of the matrix as m cross n. It is not m into cross n. फॉर एग्जाम्पल फाइंड ए टू मुझे कोई एलिमेंट नहीं टू थ्री दैन दिस एलिमेंट इज इन द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम ये ए टू थ्री वाला सेकेंड रो सेकेंड रो में होगा और थर्ड कॉलम में होगा बिकॉज इन ए आई जे आई स्टैंड फॉर रो तो अगर मैं ए आई जे को ए टू थ्री से कंपेयर करती हूँ देन यू कैन क्लियरली सी आई इज इक्वल्स टू टू एंड जे इज इक्वल्स टू थ्री That means this element is in the second row and third column. Last, I am giving you the worksheet for these questions. First question is the offices. I am just revising it. First, just first matrix I this first matrix has two rows and three columns. 1 3 5 is the first row and two 4 six is the second row. It means it has two rows and three columns. So the order of this matrix is two cross three. Second matrix second matrix has three rows and two columns. So order of this matrix is three cross two. And about the third matrix it has three rows and one column.

सो सी सेकेंड रो इज टू फाइव एट एंड थर्ड कॉलम इज नाइन एट तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है दैट इज़ एट एंड ए थ्री टू इट मीन्स द एलिमेंट इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमेंट इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम यू कैन क्लियरली सी थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम द एलिमेंट इज इक्वल्स टू सेवेन Okay? Thank you.